हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। 11th स्टैंडर्ड के अब तक हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर फर्स्ट सेट्स एंड रिलेशन, सेकंड एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, देन ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एंड लास्ट वन इज अ ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज स्ट्रेट लाइन। ओके, तो स्ट्रेट लाइन में हमें कौन से पॉइंट स्टडी करने हैं ये पहले देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, लोकस ऑफ पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन, मीन्स हमारा एक्स वाई प्लेन इन कोऑर्डिनेट प्लेन। बहुत ही इजी टॉपिक है। ओके, सेकेंड, इक्वेशंस ऑफ लाइन के इक्वेशंस देखने हैं हमें इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, थर्ड वन, एंगल बिटवीन टू लाइंस। वो सिंपल दो लाइंस भी हो सकती है या फिर परपेंडिकुलर भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है। वो दोनों लाइन, उनके बीच का हमें फाइंड आउट करना है एंगल। ओके, देन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दी लाइन। सपोज ये पॉइंट है, यहां लाइन है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड लास्ट वन, फैमिली ऑफ लाइंस क्या है। सपोज एक लाइन है तो सिंगल है, दो तीन चार पांच छह, तो नंबर ऑफ लाइंस जब साथ में होगी तो उसे बोला जाता है फैमिली ऑफ लाइंस। तो क्या है ये कंसेप्ट, ये भी हम देखने वाले हैं। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स है जो हम स्ट्रेट लाइन में स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो आज हम ये देखेंगे लोकस। सो क्या है लोकस? लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच सेटिस्फाई सम गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। लोकस मीन्स ऐसे सभी पॉइंट्स का सेट जो पॉइंट्स कुछ गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस होती है वो सेटिस्फाई करता है, उसे बोलते हैं लोकस। लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे सभी पॉइंट्स का सेट जो पॉइंट्स गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो क्या होता है, ठीक है, एग्जाम्पल भी लेते हैं। उससे पहले सेट फॉर्म में लोकस कैसे लिखते हैं, एल इज इक्वल टू कलेक्शन पी सच दैट पी इज अ पॉइंट इन अ प्लेन सेटिस्फाइज गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। बस ये हमने सेट फॉर्म में लिखा है। ओके, हियर पी, पॉइंट पी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉइंट्स इन एल, मीन्स ये एक ही रिप्रेजेंटेटिव, जैसे प्रतिनिधि हम बोल सकते हैं, सबके लिए एक कोई बात कर रहा है। तो लोकस मीन्स ऐसे सभी पॉइंट्स का सेट जो पॉइंट्स ज्योमेट्रिकल कंडीशन, जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन है वो सेटिस्फाई करते हैं, तो ऐसे सभी पॉइंट्स के सेट को हम बोलते हैं लोकस। तो ये बस सेट फॉर्म में मैंने लिखा है, कलेक्शन पी सच दैट पी इज अ पॉइंट इन अ प्लेन एंड वी सेटिस्फाई द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, बस इस सेट फॉर्म में हमें लिखा है। लेकिन ये जो पी है ये रिप्रेजेंटेटिव है सब पॉइंट्स के लिए, एक रिप्रेजेंटेटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास के लिए एक मॉनिटर होता है या फिर सीआरएम, उसे बोलते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव। उसी तरह पी ये बस एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है लोकस एल में, ये है एल इन लोकस एफ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर दे दे दो, कंसिडर दी सर्कल विच सेंटर ओ, सपोज उसका सेंटर हमने ओ लिया है एंड रेडियस फोर।
ओके, कंसिडर द सर्कल विच सेंटर ओ एंड रेडियस 4. तो इन टर्म्स ऑफ या इन फॉर्म ऑफ लोकस हम कैसे लिख सकते हैं, पी सच दैट ओपी इज इक्वल टू 4. ऐसा क्यों है? देखो, सर्कल की डेफिनेशन तो टेंथ में भी हमने देखी है कि सर्कल मीन्स क्या होता है, ऐसे सभी पॉइंट्स जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, और ऐसे सभी पॉइंट्स जब हम जोड़ते हैं तो हमें सर्कल मिलता है. और हमने यहाँ कंसीडर किया है सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 4, मीन्स ये पॉइंट यहाँ 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 ऐसे सब पॉइंट्स, तो उसमें से एक पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया है. सो ओपी का डिस्टेंस कितना है, 4. सो ओपी इज इक्वल टू हमने 4 लिया है. ऐसे सभी पॉइंट्स हमें लेने हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव एक ही हमने कंसिडर किया है, पी. सो दिस इज लोकस. ओके, अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस क्या है. इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लोकस इज एन अल्जेब्रिक रिलेशन सैटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ लोकस. तो लोकस तो हमने देख लिया, सभी पॉइंट्स का सेट होता है जो पॉइंट्स गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन उसका इक्वेशन क्या होता है. लोकस का इक्वेशन मीन्स ये एक अल्जेब्रिक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है जो क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है क्या, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ लोकस. मीन्स लोकस का हर पॉइंट वो अल्जेब्रिक रिलेशन अगर सेटिस्फाई करता है तो उस रिलेशन को हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस. मैं फिर से बता रही हूं, अगर लोकस का हर एक पॉइंट, ईच पॉइंट अगर दिया हुआ अल्जेब्रिक रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं तो उस रिलेशन को हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस. आप बोलोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जब आप इसके एग्जांपल्स देखोगे एक्सरसाइज के बहुत ही इजी है, ठीक है. सो फर्स्ट हमने देखा लोकस एंड देन इक्वेशन ऑफ लोकस. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जो इससे भी और इजी है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. नाउ द नेक्स्ट इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. हमें क्या करना है, ओरिजिन को शिफ्ट करना है. कैसे करेंगे, ज्यादा लिखेंगे नहीं, बस कंसेप्ट हमें अंडरस्टैंड कर लेना है. दिस इज अवर वाई एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस. ये रहा हमारा एक्स वाई प्लेन. तो ये कौन होगा हमारा, यस ओरिजिन ओ 0 0. ये जो ओरिजिन है इसे हमें शिफ्ट करना है, ठीक है. उससे पहले देखो, लेट पी ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट इन द प्लेन, कहा भी ले लो, मैंने यहां ले लिया, ठीक है. अगर हम यहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, वाई. और अगर यहां से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स होगा. ये एक्स है तो इसका मतलब ये भी एक्स होगा, ठीक है. ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ओके. यहां तक तो ठीक है. अब ये ओरिजिन हम शिफ्ट करते हैं और यहां ले लेते हैं. सपोज यहां ले लिया हमने, ओरिजिन का नाम बदल देते हैं ओ डैश, ओके, और कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं एच के, ठीक है. अब देखो, यहां से ओरिजिन यहां शिफ्ट किया है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस होगा के, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये होगा एच. अगर ये एच है तो ये भी एच होगा, ओके. अब देखो, ये हमारा स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस है, ओरिजिन शिफ्ट किया है तो न्यू एक्सिस हमें मिला है तो इसे बोल देते हैं एक्स डैश एक्सिस, ओके. ये ओरिजिनल वाई एक्सिस है तो ये कौन होगा, वाई डैश एक्सिस, ठीक है. एक बात यहां ऑब्जर्व करो, ओरिजिनल एक्स एक्सिस और शिफ्टेड हुआ एक्स एक्सिस दोनों एक दूसरे को पैरेलल है. ओरिजिनल वाई एक्सिस और न्यू वाई डैश एक्सिस दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल है, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, बस यहां से ओरिजिन उठाया है और यहां पटक दिया है, यहां हमने रख दिया है.
इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, लेकिन अगर यहाँ शिफ्ट करते हैं तो कुछ तो चेंज होगा ना कोऑर्डिनेट्स में, तो वो हमने ये चेंज के लिए है। ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और के मींस वाई कोऑर्डिनेट है, जो हमें पता है जब हम ऐसा लिखते हैं एक्स वाई, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब क्या करेंगे, देखो ये जो पॉइंट पी है इसके लिए मैं न्यू कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करती हूँ। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है हमारे एक्स एंड वाई, स्मॉल एक्स एंड वाई, न्यू कोऑर्डिनेट्स में ले रही हूँ एक्स एंड वाई कैपिटल, ठीक है। तो अब देखो ये पी पॉइंट यहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर न्यू एक्सिस पे, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या होगा, कैपिटल वाई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कैपिटल वाई होगा। और ये जो डिस्टेंस है देखो यहां भी ये न्यू एक्सिस है हमारी, यहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, कैपिटल एक्स, ठीक है। देखो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कैपिटल वाई है, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कैपिटल एक्स है, ये टोटल डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, ये टोटल डिस्टेंस स्मॉल वाई है, और ये क्या है, शिफ्टेड ओरिजिन है एच एंड के। अब क्या करेंगे, देखो ये जो टोटल एक्स है, ये टोटल एक्स मैं लिख देती हूँ एक्स, ये स्मॉल एक्स है ना, ओके ये हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये कौन है एच, एच प्लस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मीन्स क्या है कैपिटल एक्स, तो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये जो टोटल डिस्टेंस है वाई, पी पॉइंट के लिए लिख रहे हैं हम, पहले एक्स लिखा हमने अब हम वाई लिखेंगे, ये टोटल डिस्टेंस मीन्स क्या है स्मॉल वाई, ओके तो उसमें से ये डिस्टेंस कितना हुआ कैपिटल वाई, तो ये रहा कैपिटल वाई, और ये नीचे का डिस्टेंस देखो अगर ये के है तो ये डिस्टेंस कितना होगा के, तो उसमें हमें के ऐड करना है। इसमें हमें लेना क्या है और छोड़ना क्या है मैम, देखो ये रहे हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी स्मॉल एक्स एंड वाई, ये रहे न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, ये रहा हमारा एक्चुअल ओरिजिन, ओके ओरिजिनल, और ये रहा हमारा शिफ्टेड ओरिजिन। बस ये चार पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, स्मॉल एक्स एंड वाई मीन्स ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, कैपिटल एक्स एंड वाई मीन्स न्यू कोऑर्डिनेट्स पी पॉइंट के, 0 0 मीन्स हमारा एक्चुअल ओरिजिन, और ये जो है ये हमारा शिफ्ट किया गया ओरिजिन है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे होंगे, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, न्यू हमें फाइंड आउट करने होंगे, या फिर न्यू दिए गए होंगे, या फिर ओल्ड फाइंड आउट करने होंगे, या फिर दोनों हो गए और हमें शिफ्टेड ओरिजिन फाइंड आउट करना होगा, ओके तो बहुत ही सिंपल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ द नंबर फर्स्ट, इफ ए एंड बी आर पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी के लिए हमें इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड आउट करना है, सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी, हमें कंडीशन भी दिया गया है, ओके लेट पी ऑफ एक्स वाई बी रिक्वायर्ड पॉइंट, बी रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन लोकस, ठीक है, सच दैट हमें दिया है पी ए इज इक्वल टू पी बी, वेयर ए पॉइंट हमें दिया गया है 1 3 1 3 एंड बी पॉइंट है 2 1, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड आउट करना है। तो बस पी ए मीन्स पी पॉइंट एंड ए पॉइंट का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, एंड पी बी मीन्स पी एंड बी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला व्हाट डू गेट, पी ए मीन्स हमें मिलेगा रूट ऑफ पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, ए के पॉइंट 1 3 मीन्स एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब हमें फाइंड आउट करना है पी बी मीन्स एक्स रूट ऑफ एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब सिर्फ सिंप्लीफाई हमें करना है, दोनों साइड पे रूट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, रूट हमें निकाल देना है, सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स सो व्हाट डू गेट, एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9
विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन. बस ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला हमने यूज किया है. एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, वाई स्क्वायर गेट कैंसल. देयर फोर माइनस टू एक्स वन प्लस नाइन मीन्स यहां हमें मिलेगा टेन माइनस सिक्स वाई. ये जो टर्म्स बाकी है यहाँ पे बचा है तो वो एल एच एस को शिफ्ट कर देते हैं. सो फोर एक्स माइनस फोर प्लस टू वाई माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो. देयर फोर माइनस टू एक्स टेन माइनस फाइव मीन्स यहां बचेगा फाइव. ठीक है माइनस सिक्स वाई प्लस टू वाई माइनस फोर वाई एंड देन फोर एक्स विच इज इक्वल टू जीरो. देयर फोर फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव विच इज इक्वल टू जीरो एंड देयर फोर टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन लॉस. ठीक नाउ क्वेश्चन सेकेंड सिमिलर है. ए एंड बी दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी. तो हमें पी कंसिडर करना होगा. लेट पी ऑफ एक्स वाई बी रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन लोकस वेयर ए एंड बी. ए हमें दिया गया है माइनस फाइव टू एंड बी फोर वन. ओके और उन्होंने बोला है कि जो P पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम A एंड B. तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब PA इज इक्वल टू PB. ओके सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला PA फाइंड आउट कर लेते हैं. क्या मिलेगा? रूट ऑफ x प्लस फाइव ब्रैकेट स्क्वायर एंड देन y माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू PB. PB मीन्स रूट ऑफ एक्स माइनस फोर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. सो व्हाट डू यू गेट? देयर फोर एक्स प्लस फाइव ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर. रूट निकल चुका है सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. व्हाट डू यू गेट? एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन. अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल. देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो कौन बचा है? टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस फोर मीन्स ट्वेंटी नाइन. ओके एंड देन माइनस फोर वाई विच इज इक्वल टू माइनस एट एक्स माइनस एट एक्स माइनस टू वाई एंड सिक्सटीन प्लस वन मीन्स सेवेंटीन. ठीक है ओके. देयर फोर आर एच एस की वैल्यूज यहां शिफ्ट कर लेते हैं. टेन एक्स प्लस एट एक्स एटीन एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन माइनस फोर वाई विच इज प्लस 2y minus 17 which is equal to 0. Therefore 18x minus 4y plus 2y means minus 2y. Minus 4y plus 2y means minus 2y and 29 से 17 हमें माइनस करना है तो हमें मिले प्लस 12 which is equal to 0. Therefore 9x minus y plus 6 is equal to 0. So this is required equation of the given locus. So next question, next reading. Okay, thank you.